5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। आइए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी। अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफी प्रगति की है, परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहां की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी। निसंदेह साक्षरता प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है, जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है, उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता, तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्प काल है। आइए अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नजर डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हम कहां तक आगे बढ़ सके हैं। पैराग्राफ, यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो चुका है। पहले पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे, अब वे मूर्तिमान होने लगे हैं। इसलिए अब यह समझना कठिन नहीं है कि राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी 10 या 15 वर्षों में हम किस स्थिति में होंगे। महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है। इनमें से एक योजना भाखड़ा नंगल योजना से बहुमूल्य पानी और बिजली पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है। दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड, चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भांति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। भाखड़ा नंगल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इन महान
योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे। पैराग्राफ, महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकीकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकीकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। पैराग्राफ, विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति जिसे मैं सक्रिय और सौ उद्देश्य तथस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु ना समझने की नीति है। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। इंडो चीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है। शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्या को सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी। मैं आशा करता हूँ कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को
स्वीकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएं हैं। स्टॉप।